हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राबिया स्किन केयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप हमेशा अपने स्किन टोन को फेयर करने का देखते हैं या फिर गोरे होने के नुस्खे देखते रहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नोटिस किया है कि लोगों में आजकल स्किन वाइटनिंग का बहुत क्रेज है और जिसके लिए वो बहुत तरह तरीके के नुस्खे आजमाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं, या फिर ये सारी चीज़ें असरदार होती है या नहीं, या फिर क्या है ये स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग? तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्किन लाइटनिंग की तरफ। क्या है ये स्किन लाइटनिंग? हर एक इंसान एक स्किन टोन, एक स्किन शेड के साथ में पैदा होता है जो उसका नेचुरल कलर होता है। लेकिन अपनी स्किन का ध्यान नहीं देने की वजह से और सबसे ज़्यादा धूप में रहने की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन डार्क होने लगती है, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं। ये टैनिंग को हटाने के लिए हम जो भी मेथड, नुस्खे या फिर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसको हम स्किन लाइटनिंग बोलते हैं। तो क्या ये चीज़ हमको करनी चाहिए? यस, ये चीज़ हमको डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपकी स्किन डार्क हो गई है उसको हम अपने नेचुरल कलर में लेकर आते हैं, जो बिल्कुल सेफ है। अब स्किन ब्राइटनिंग क्या होती है? जैसे एक आईना होता है, वो कितना चमकते रहता है, लेकिन अगर उस पर धूल पड़ जाए तो वो डल हो जाता है। लेकिन अगर वही धूल हम हटा देंगे तो वो फिर से चमकने लगता है। तो इसी तरीके से हमारी स्किन पे भी डेड स्किन सेल्स जो है वो जमा हो जाते हैं। अगर हम उसको हटा देते हैं तो हमारी स्किन फिर से रेडियंट हो जाती है और ग्लो करने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं स्किन ब्राइटनिंग। तो क्या ये हमको करनी चाहिए? यस, ये हमको डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स निकलते हैं तब हमारे न्यू सेल्स जो है वो उभर के दिखते हैं, तब हमारी स्किन जो है वो क्लियर, स्मूथ, फेयर, ब्राइट, रेडियंट, जो भी आप बोलो वो दिखती है। तो ये आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो फाइनली आती है स्किन वाइटनिंग। क्या है ये स्किन वाइटनिंग और क्या ये हमें करनी चाहिए या नहीं? स्किन वाइटनिंग जो है वो स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग से हार्श होती है। इसमें हम लोग जो भी वाइटनिंग या फिर ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत हार्श होता है और ये हमारे स्किन से पूरे नेचुरल पिगमेंट्स निकाल देता है, जिसके वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और हमें स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, और आगे वक्त के साथ इससे हमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, बेजान होने लगती है और हमारी स्किन से ग्लो चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कभी नहीं सजेस्ट करूँगी। अगर ये चीज़ें कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सजेस्ट करते हैं और बहुत लिमिट में करते हैं। अगर आप खुद से कोई ऐसी क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है और आपकी स्किन बहुत फेयर होते जा रही है दिन ब दिन, तो आप प्लीज़ एक चीज़ नोट करना कि उसमें हाइड्रोक्विनोन नाम का कोई केमिकल है या नहीं। हाइड्रोक्विनोन, अगर ये केमिकल उसमें प्रेजेंट है तो प्लीज़ आज से ही उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये केमिकल से स्किन कैंसर होता है और ये केमिकल इतना हार्मफुल है कि ये बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी है। अगर मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो लोग बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हैं, तो क्या ये सेफ है? देखिए, बेकिंग सोडा जो है वो हमारे स्किन के लिए थोड़ा सा हार्श ज़रूर है, लेकिन आप इसको वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, ये तो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करना अपने फेस पे। आप चाहो तो मैनीक्योर या पेडीक्योर करते वक्त अपने हाथों और पैरों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने फेस पर बिल्कुल नहीं करना। तो बात घूम के यही आ जाती है कि हमको फिर क्या यूज़ करना चाहिए। अगर मैं केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो स्किन लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए सबसे बेस्ट है विटामिन सी के सीरम। मैंने एक बार विटामिन सी का सीरम परचेस किया था ऑनलाइन, वो उसने मुझे रिजल्ट तो दिया लेकिन वो इतना महंगा था कि मैंने उसको एक बार के बाद कभी दूसरी बार मंगाया ही नहीं। दूसरा, एक्सफोलिएशन के लिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया था ग्लाइटोन का, जिसमें 11% ग्लाइकोलिक एसिड होता है। मैं उसका प्राइस नहीं बताऊंगी आपको, ये है वो प्रोडक्ट, आप ये प्रोडक्ट देखो और इसका ऑनलाइन प्राइस देख लेना। इसको भी मैंने दोबारा फिर कभी नहीं मंगाया। हाइड्रोक्विनोन को छोड़ के स्किन लाइटनिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अल्फा ब्यूटेन, कोजिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, लेकिन ये भी इतने महंगे होते हैं कि इसको भी हम परचेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि इसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि इसको कोई अफोर्ड कर सकता है और कोई नहीं। और ब्यूटी कोई एक दो दिन की बात नहीं होती है, ब्यूटी का मतलब होता है स्किन केयर रेजिमेंट को फॉलो करना और मेंटेन करना। इसीलिए फिर मैंने इसका सोल्यूशन निकाला और मैंने इन सारी चीज़ों को घर पे ही बनाना स्टार्ट किया, चाहे वो विटामिन सी के सीरम हो, रेटिनॉल सीरम हो, नाइट क्रीम हो, डे क्रीम हो, सब कुछ। ना ही सिर्फ ये मुझे सस्ते में बना बल्कि इससे मुझे 100% रिजल्ट भी मिला। तो यही सारी चीज़ मैं मेरे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को अपने ही घर पे बना सकते हैं, आपके ही पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे। हाँ, जो चीज़ आपको बाहर से खरीदनी चाहिए मैं वो बोलूंगी कि आप वो बाहर से खरीदो, क्योंकि या तो वो सस्ती होगी या तो इफेक्टिव होगी। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए तो प्लीज़ उस पर फालतू के पैसे आप वेस्ट मत करो, और जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे फॉलो करो। बस इतना है कि आपको इसका रिजल्ट जो है वो एक दो दिन के जगह 3-4 दिन में मिलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 110% मिलेगा।
और स्किन केयर के मामले में आप स्लोली ही जाओ, इंस्टेंट रिजल्ट पाने के चक्कर में अपनी स्किन को डैमेज मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आपका जो भी नेचुरल कलर है, जो भी आपका नेचुरल रंग है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, भूरा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप जैसा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आपको अपने रंग पे गर्व होना चाहिए। जो भी आपको रंग मिला है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए आपको मिला है। हाँ, उस पे जो भी पिंपल्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सारी जो भी चीजें होती है, ये आपको मिली नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से हुई है। आपने अपने स्किन का ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हुई है, इसीलिए आप उसको दूर करो। और अपने स्किन टोन को ज्यादा एक्सट्रीमली फेयर या फिर गोरा बनाने के बजाय आप ये देखो कि आपके स्किन को क्लियर कैसे रखे, पिंपल्स कैसे हटाए, एक्ने कैसे हटाए, डार्क स्पॉट्स कैसे हटाए, पिगमेंटेशन कैसे हटाए, स्किन को ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं, रेडियंट कैसे बना सकते हैं, स्किन टोन को लाइट कैसे कर सकते हैं, ब्राइट कैसे कर सकते, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कैसे कर सकते हैं, स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो कर सकते हैं, घर में सीरम कैसे बनाए, मॉइस्चराइजर कैसे बनाए, वगैरह वगैरह। और हाँ, आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए वो होम रेमेडीज फॉलो करना जिसमें कोई हार्श व्हाइटनिंग या फिर ब्लीचिंग एजेंट ना हो। मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज भी बताते रहूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। और मैं इतनी गारंटी देती हूँ आपको कि मैं आपको इतना कुछ बता दूंगी कि आप खुद दूसरों को बताओगे कि कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए, कौन सा नहीं, किसके क्या फायदे हैं, सब कुछ। बस इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। सो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक छोटा सा मैसेज कि जस्ट लव योरसेल्फ।